पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण। आपका भावना का लक्षण हो गया। और जो संस्कार के तीन भेद है, वेगो भावना स्थिति स्थापको। भावना का लक्षण हो गया, क्या लक्षण हुआ? अनुभव जन्यत्व सति स्मृति हेतुत्वम हो गया। और अनुभव जन्यत्व का अर्थ बता दिया। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व, ये हो गया अनुभवजन्यत्व। सच में ठीक है। तो ऐसा जब कहेंगे तो स्मृति हेतुत्व पद देना व्यर्थ है। नहीं देंगे तो कहाँ चला जाएगा? स्मृति में चला जाएगा। कहाँ में चला जाएगा? स्मृति में चला जाए, क्योंकि स्मृति जो है केवल अनुभव से होता है, स्मृत्यात्मक ज्ञान। तो अनुभव जन्य तो चला जाएगा उसमें, नहीं समझ में ना? यद्यपि वहाँ पर तो नहीं जाएगा, अनुभव धन समय नहीं जाएगा, अनुभव धन समय बराबर ना। हाँ समझ में ना? तो नहीं, अनुभवत्व तो ना नहीं होता है वहाँ पर ना। तत्तद् व्यक्तित्व न प्रतियोगित्व न होता है। अनुभवत्व ना अनुभव का ध्वंस नहीं होता है। समझ में कि नहीं आया? मतलब अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव होता है कारण, वो अनुभवत्व ना नहीं होता है, प्रतियोगित्व ना होता है। विशिष्ट ज्ञान में अभिलब्धि को ग्रहण के लिए तो किया था लक्षण, फिर अनुभव ध्वंस में जा रहा था है ना? फिर भी जब अनुभव ध्वंस में जाएगा, अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव कारण होता, अनुभवत्व नहीं होता है ना। कि कैसे होता है वहाँ पर? तत्त व्यक्तित्व न अभाव प्रतियोगित्व न होता है, इसलिए वहाँ पर नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा? अनुभव ध्वंस में तो नहीं जाएगा, फिर भी स्मृति में जा रहा था। पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा समझ में ना, कि अनुभव ध्वंस के लिए, अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो रही थी, उसके लिए क्या कहा? स्मृति हेतुत्व। तो स्मृति हेतुत्व न देने से भी काम चलेगा, अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आप समझ में ना? समझ में आ रहे हैं? इसलिए स्मृति हेतुत्व पद व्यर्थ हो गया। बोलते नहीं, स्मृति हेतुत्व पद नहीं देंगे तो किस में चला जाएगा? स्मृति में चला जाएगा, क्योंकि स्मृति जो है, स्मृति के प्रति जो कारण अनुभव होता है, अनुभवत्व ना होता है। क्या होता है? स्मृतित्व अवच्छिन्नम प्रति अनुभवत्व अवच्छिन्नम क्या है? कारण होता है कि नहीं? यह ठीक है, इसलिए अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति हेतुत्व पद यदि नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। हाँ हो गया यहाँ तक। आगे देखो भाई, स्थिति स्थापक रामेश्वर आवाज तो जा रही है ना? जी आ रही, बिल्कुल जा रही है। एकदम स्पष्ट है ना? हाँ बढ़िया है फिर, क्योंकि ब्लूटूथ से कर रहे हैं तो बढ़िया है। ब्लूटूथ होने से ठीक होता है, कान में प्रेशर नहीं होता। इसको लगाएंगे तो कान में प्रेशर होता है।
अच्छा आगे चलें। स्थितिस्थापकता का लक्षण है, स्थितिस्थापकता का लक्षण ये है नारायण कि क्या मूल में था, अन्यथा कृतस्य पुनस्तत अवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ति। ठीक है नारायण, तो जो अन्यथा कृत वस्तु है उसको पूर्व अवस्था में लाने वाले को क्या बोलते हैं, लाने वाला गुण को स्थितिस्थापक कहते हैं। हो गया ना, जैसे हाँ डाली है, बांस है, ऐसे जो भी होता है, रबर है ना। तो अन्यथा कृत जो हो गया था, पूर्व अवस्था को लाने वाला गुण जो होता है वो स्थितिस्थापक होता है। वो कहाँ रहता है, केवल पृथ्वी में रहता है, वो भी विशेष कटादि चटाई है, बांस है, ये सब में होता है। ठीक है नारायण, इति गुणा, ये गुण हो गया। पदकृत्य के ऊपर देख लो, पदकृत्य में क्या दिया स्थितिस्थापक का लक्षण, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्तम स्थितिस्थापकत्वम मिला है ना भाई। क्या लक्षण है, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्तम स्थितिस्थापकत्वम। ठीक है भाई, देखो बताता हूँ। संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्तम, ठीक है ना। देखो संस्कारत्व कितने में रहता है, तीन में रहेगा, वेग में भी रहेगा, भावना में भी रहेगा और स्थितिस्थापक भी रहेगा। सच में है ना, ठीक है। हाँ जैसे मान लो सत्ता, जानते हैं सत्ता, सत्ता जाति, सत्ता जा हाँ, तो सत्ता जाति का व्याप्य कौन है, सत्ता जाति का व्याप्य जाति कौन है, द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, ये हो जाएगा व्याप्य। किसका, सत्ता का। सत्ता तीनों में रहेगी ना, पर सत्ता, सत्ता कितने में रहती है कि नहीं, द्रव्य में, गुण में और कर्म में, है ना। इसलिए यत्र यत्र द्रव्यत्वम अथवा गुणोत्तम अथवा कर्मोत्तम, वहाँ पर सत्ता है कि नहीं है, है? हो गया। तो सत्ता का व्याप्य जाति कौन, सत्ता तो कहाँ भी गुणत्व बोलो ना, गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्व, इसको कहेंगे व्याप्य। तो व्याप्य कौन हुआ, सत्ता, सत्ता तीनों में रहती है ना। हो गया। अब ले लिए गुणत्व को ले लो, गुणत्व किस, गुणत्व का व्याप्य जाति कौन, बोलिए। गुणत्व का व्याप्य जाति, गुणत्व कितने में रहेगा, 24 में रहेगा। ठीक है, गुणत्व का व्याप्य जाति रूपत्व रसत्व है कि नहीं है, है? आया समझ में कि नहीं आया, हाँ ऐसे समझ के रख लो। ठीक है। अच्छा तो स्थिति स्थापक को क्या है, संस्कार है ना, संस्कार गुण है कि नहीं। तो गुणत्व का व्याप्य जाति संस्कारत्व है, हाँ कि नहीं है। और संस्कारत्व व्याप्य जाति कितने होंगे, तीन हो जाएंगे, हो जाएंगे तीन कि नहीं। क्या क्या होंगे, वेगत्व, स्थितिस्थापकत्व, संस्कारत्व, व्याप्य जातिमान कितने हैं, कितने हैं, संस्कारत्व का व्याप्य जातिमान कितने होंगे, तीन होंगे, वेग भावना और स्थितिस्थापक। इतना समझ में कि नहीं, वो तो तीन हो गए। ठीक है, अच्छा इसलिए क्या कह दिया, पृथ्वी मात्र समवेत जो जातिमान, देखो समझ में ना,
देखो क्या कह रहे हैं, स्थिति स्थापक कहाँ रहता है? अच्छा पहले बोलो वेग कहाँ रहता है, वेग कहाँ रहता है, कितने में रहता है वेग, कितना द्रव्य में रहेगा? हाँ श्याम देव बोलो, वेग कितना द्रव्य में रहता है? नहीं पता है? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति ने कहा कितने में रहता है, पांच में, पृथ्वी आदि चार और मन कितने में रहता है, क्या रहता है? वेग रहता है। ठीक है, तो केवल पृथ्वी में रहा क्या? नहीं रहा, पृथ्वी में रहने वाली जो है कि नहीं, संस्कारत्व व्याप्य जातिमान कौन हुआ, वेग हुआ। वेग पृथ्वी में रहता है, रहता है, लेकिन पृथ्वी मात्र में नहीं रहता है, अन्य में भी रहते हैं, अन्य और चार में भी रहा, जल तेज वायु और मन में रहा। आए समझ में कि नहीं? अच्छा, और भावना ले लो, संस्कारत व्याप्य जातिमान भावना है कि नहीं है? वो पृथ्वी मात्र में तो है ही नहीं, हो उसका सवाल ही नहीं हो, क्या वो तो आत्मा में ही रहेगी, आत्मा में रहेगी। आए समझ में है ना? इसलिए क्या लेना है, पृथ्वी मात्र समवेत, ऐसा जो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, जातिमान में उधर अन्वय है किसका, समवेत का, पृथ्वी मात्र में समवेत जो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान हो, अन्वय समझ में आ रहा है, कर्मधारय कर लो, पृथ्वी मात्र में जो समवेत उसको कहेंगे पृथ्वी मात्र समवेत, समवाय सम्बन्ध से रहने वाले को बोलते हैं कि नहीं है ना? तो स्थिति स्थापक है, जो स्थिति स्थापक है केवल पृथ्वी में रहेगी समवाय सम्बन्ध से कि नहीं? आ संस्कारत्व का व्याप्य जातिमान है कि नहीं? इसलिए क्या हुआ, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व जाति, संस्कारत्व व्याप्य जातिमान कौन हुआ, हो गया। हाँ तो जाति बराबर कौन, जाति से क्या लेंगे, संस्कार तथा व्याप्य जाति बराबर कौन है, स्थिति स्थापकत्व, यत्र यत्र स्थिति स्थापकत्वम तत्र तत्र संस्कारत्व है कि नहीं? व्याप्य कौन है? हाँ हाँ ठीक है, व्यापक संस्कारत्व, संस्कारत्व का व्याप्य जाति बराबर स्थिति स्थापकत्व, तो जाति मत, हाँ जातिमान हो गया स्थिति स्थापक है कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन आपने विशेषण दे दिया, क्योंकि संस्कारत्व व्याप्य जातिमान तो तीनों है, जैसे स्थिति स्थापक है इसी प्रकार वेग भावना भी है, लेकिन पृथ्वी मात्र समवेत कहने से उसमें नहीं जाएगा, हो गया, केवल कौन होगा, केवल स्थिति स्थापक हो जाएगा, तो जाति मोत्तम कहाँ जाएगा, स्थिति स्थापकों में ही जाएगा लक्षण, हो गया, कोई दोष नहीं है, लक्षण घट गया। अच्छा इसके ऊपर पदकृत देखो भाई, आई क्या लिखा है पढ़िए। हाँ गंधत्वम आदाय, आपकी पुस्तक में क्या दिया है? हाँ गंधत्व होना चाहिए, गंधवत्व नहीं चाहिए, गंधत्व है ना रामेश्वर, तुम्हारी पुस्तक में क्या है? गंधत्व, गंधत्व है कि गंधवत्व है, वही मतलब क्या है? अरे वही मतलब क्या है, अरे गंधवत्व है कि गंधत्व है? गंधवत्वमादाय ना गंधे अति व्याप्त नहीं नहीं ऐसा नहीं, गंधत्वम आदाय, गंधत्व करो, उससे क्या करें, गंधत्व, हाँ ऐसा करो, ठीक गंधत्वम, ठीक गंधत्वम आदाय, गंधवत्व नहीं, गंधवत्व करेंगे तो गंध अर्थ आ जाएगा, फिर गंध और नहीं करना, गंधवत्व करना, गंधवत्व नहीं करना, गंधत्व करो,
हो गया, चलो इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो गंधत्वम आदाय मतलब गंधत्व को लेकर, ठीक है भाई, गंधे अतिव्याप्ति वर्णाय, देखो बताता हूँ आपको हैं। कहते हैं कि संस्कारत्व व्याप्य नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, संस्कारत्व व्याप्य नहीं कहेंगे, तो कितना होगा बताओ लक्षण, पृथ्वी मात्र समवेत जाति मत्व हो गया ना। तो देखो तो पृथ्वी मात्र समवेत है जातिमान, जातिमान है ना, जाति बराबर गंधत्व ले लो, जाति बराबर गंधत्व बराबर है कि नहीं, जातिमान गंध है कि नहीं, गंध जो जातिमान है जाति वाला वो केवल पृथ्वी मात्र में समवेत है कि नहीं, अन्यत्र कहीं है क्या, नहीं है। तो पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान कौन हुआ है, जातिमान बोल रहा हूँ मैं, गंध हुआ ना, ठीक ना, जाति गंधत्व है कि नहीं, है ना। तो गंधत्व पृथ्वी में है क्या समवेत, पृथ्वी में गंध है, गंधत्व थोड़ी है कि नहीं, इसलिए पृथ्वी मात्र समवेत से क्या लेना फिर, हाँ है कि नहीं, जाति समवेत बराबर यदि जाति कहेंगे तो पृथ्वी तो हो जाएगा फिर, इसलिए समवेत का अनु किधर करना है, जातिमान में करना है, किस में करना है, जातिमान, समझ में है ना, अन्नो करना पड़ेगा, पृथ्वी मात्र समवेत बराबर कौन, हाँ गंध जातिमान गंध हो गया, हाँ इसलिए जातिमत्तम कहाँ चला गया, गंध में चला गया, इसलिए गंधत्वम आदाय जाति से गंधत्व ले लो, है ना, जातिमान गंध वही पृथ्वी मात्र में ही समवेत है, उसको लेकर के गंधे अतिव्याप्ति बनाय, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है नारायण। अतिव्याति बाण कर लेकर क्या कहना होगा, संस्कारत्व व्याप्य, संस्कारत्व से व्याप्य है तो वो है क्या गंधत्व, यदि यदि हो तो फिर व्याप्ति क्या होनी चाहिए, यत्र यत्र बोलिए, यत्र यत्र गंधत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम होना चाहिए, लेकिन है ऐसा नहीं है, संस्कारत्व का व्याप्य जाति कितने हैं, तीन है, गंधत्व है नहीं है, हो गया ऐसा कह लो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भावनात्वम आदाय भावना वाणाय पृथ्वी समवेत, ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कहते भावनात्व को लेकर के भावना में लक्षण चला जाएगा, ये बोल रहे हैं भाई। तो पृथ्वी समवेत जब नहीं देंगे, पृथ्वी समवेत जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा, संस्कारत्व वो मात्र भी इसमें आ जाएगा, पृथ्वी समवेत का अर्थ पृथ्वी मात्र समवेत, उसको जब नहीं देंगे तो कितना रहेगा, संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्तम, जाति से क्या लेंगे, भावनात्व को ले लो, तो संस्कारत्व व्याप्य जाति बराबर है, जाति बराबर भावनात्व, जातिमत जातिमान भावना, जातिमत्तम भावना में चला गया, इसलिए फिर क्या कह दिया, पृथ्वी मात्र समवेत कह दिया है, तो भावना है, जो भावना है भावना कहाँ कहाँ रहती है, वो तो केवल आत्मा में ही रहेगी, हाँ आत्मा मात्र बोलती, अन्य तो कहीं है नहीं, ओके अच्छा, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया, मात्र पद क्यों दिया, मात्र पद देने का क्या अभिप्राय, मात्र पद नहीं देंगे तो बताइए, मात्र पद नहीं देंगे तो कहाँ लक्षण जाएगा, मात्र पद नहीं देंगे जो पदकृत में नहीं है, बुद्धि लगाओ, मात्र पद देने का क्या अभिप्राय है, मात्र के ऊपर तो दिया नहीं पदकृत्य में, दिया नहीं दिया ना, मात्र पद देने का प्रयोजन कहाँ बताया, छोड़ दिया होगा लगता है ना
लिखते लिखते छूट गया होगा। तो मात्रापद देने का क्या प्रयोजन, मात्रापद क्यों दिया, बुद्धि लगाओ। मात्रापद नहीं देंगे, है ना श्यामदेव, सुन रहे हो। मात्रापद देने का क्या अभिप्राय है? जैसे अक्षर मात्र गुण रूप अरे बोलो, मात्र क्यों दिया बोलो ना, क्या क्या दोष होगा? अरे भाई, आए सुनो 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 सुनो, बेग में लक्षण चला, अरे सुनो ना भाई, बेग में लक्षण चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? नहीं जाएगा, हाँ जाएगा और ना। मात्र ना देंगे गुरु जी करो। हाँ, मात्र पद नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा? पृथ्वी समवेत जो संस्कारत व्याप्य जाति कौन है, बोलिए। क्या ये सबका प्रजाति बनेगी गुरु जी कभी, ये प्रति बोला? समवेत संस्कार व्याप संस्कार व्याप्य जाति सभी ये स्त्री साधक सही बनेगी। बेगा नहीं है क्या? पृथ्वी में बेग नहीं रहता है क्या? जी हाँ, तो फिर पृथ्वी संवेत है ना, संस्कारत्व व्याप्य जातिमान कौन है? बेग नहीं है बेग? हाँ जी हाँ तो बेग पृथ्वी में है कि नहीं, है ना? जाति जी जाति बराबर बेगत्व तो ले लो, है संस्कारत्व व्याप्य जाति बराबर बेगत्व, जातिमान बेग, जो बेग कहाँ है, पृथ्वी में समवेत है कि नहीं है? हाँ? हो गया कि नहीं सामने बोलो। बनेगी लो, यत्र अत्र बेगत्वम तथा तथा संस्कारत्व नहीं है क्या? अच्छा हाँ जी हो जाएगा हाँ, तो हो जाए कि नहीं हो जाएगा? हाँ तो हाँ लेकिन मात्रा पद देंगे तो बेग में नहीं जाएगा, क्योंकि जो बेग है केवल पृथ्वी में रहता है क्या? नहीं गुरु जी वेद वो जल आदि में भी रहेगा, मन तो में भी रहेगा, है ना? जी है समझ में? ऐसा कह रहे हैं। पृथ्वी मन में हाँ, रहेगा मन में भी रहेगा, मात्रा पद देने का यह अभिप्राय। ठीक, इतना आया समझ में? बोलते अभी कहते वेद का गुरु जी निवारण करने के लिए ना। हाँ, निराकरण करने के लिए मात्रा पद दिया, नहीं तो फिर जी मात्रापद व्यर्थ हो जाएगा ना फिर। है हाँ कि नहीं? इसलिए मात्रापद। नहीं गुरु जी हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये समझ के रख लो। उसके बाद कहते हैं भाई, देख लो, ये स्थिति स्थापक रूपान्यतरतम ऐसा दिया है ना आपके पुस्तक में पाठ, बोलो। रूपान अन्यतरत्वम आदाय आदाय रूपवान जाति जाते थे, यहाँ पर सुन लो ठीक से, ऐसा पाठ है ना आपकी पुस्तक में मचतन जी, जी क्या पाठ है? गुरु जी हाँ अन्य तरफ समान आए हाँ ठीक है ठीक है, सुनो सुनो, अब बढ़िया से सुनो, बताता हूँ। स्थिति स्थापक रूपा अन्यतरत्वम आदाय, ठीक है, रूपवर्णाय जाति। अब जाति पर जो दिया है कि नहीं, लक्षण में क्या दिया है? जाति। जाति पर जब नहीं देंगे तो धर्म को ले लो क्या? जाति और धर्म में अंतर है क्या? सुन रहे कि नहीं आप लोग? जाति और धर्म एक ही है क्या? एक ही नहीं है, जाति धर्म थोड़ी एक ही धर्म होता जी है। धर्म जो एक रहेगा उसको धर्म कहा होता जाएगा, जाति अलग चीज है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जाति अलग है। जाति क्या है? अलग है। जाति तो नहीं आहा, रहेगी द्रव्यत्व गुणत्व, इसको जाति कहा जाएगा, है कि नहीं? जी बेगत्व हाँ भावनात्व संस्कारत्व, ये जाति है, समझ में कि नहीं? हाँ, तो धर्म जा धर्म जाति, धर्म तो कोई भी हो सकता है ना? जैसे पक्ष धर्म होता, पृथ्वी का धर्म धूम है कि नहीं? धूम कहाँ है? पर्वत में है, तो पर्वत का धर्म क्या है? धूम हुआ कि नहीं हुआ? तब तो पक्ष धर्मता ज्ञान कह रहे हो। है कि नहीं? जो रहे उसको धर्म मात्र कहा जाता है, जाति अलग है कि नहीं?
तो पर्वत, तो पर्वत का जाति क्या है, धूम है कि पर्वतत्व है? पर्वतत्व को, द्रव्यत्व को, पृथ्वीत्व को, ये तो चलेगा, समझ में आ कि नहीं? तो एक धर्म ले ले, जाति जब नहीं देंगे तो कोई धर्म को ले लो, तो क्या होगा देखो, पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्ममत्तम हो जाएगा, समझ करो लो ठीक से। तो धर्म से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर जो दिया है पदकृत्य के अनुसार बोल रहा हूँ, स्थिति स्थापक रूपा अन्यतरत्व, क्या कहा है? क्या कहा? स्थिति स्थापक रूपा अन्यतरत्व, अन्यतरत्व का अर्थ क्या हुआ, दोनों में से एक को बोलते हैं अन्यतर, क्या कहते हैं? दोनों में से एक को कहते हैं अन्यतर, ठीक है। हाँ, जैसे स्थिति स्थापक रूपा अन्यतरत्व हो गया, ये कहाँ रहेगा बताओ, अन्यतरत्व कहाँ रहेगा बताइए ना, दोनों में रहेगा। हाँ, स्थिति स्थापक में भी रहेगा और रूपों में भी रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, अन्यतरत्व, स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व, ये दोनों में रहेगा, रहेगा किस किस में रहेगा, स्थिति स्थापक में भी रहेगा और रूपों में भी रहेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो पदकृत्यकार कह रहे हैं, स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व आदाय रूप वारणाय, लक्षण कहाँ जाएगा बोल रहे हैं, रूप में लक्षण जाएगा, लक्षण को घटाओ देखो, हैं पृथ्वी मात्र समवेत, क्या कह रहा है, पृथ्वी में ही रहने वाला जो समवेत, जो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, जाति ने दिया धर्म, जाति ने नहीं दिया ना, हमने धर्म को लिया, धर्म से क्या लिया हमने, संस्कारत्व व्याप्य धर्म, कौन धर्म, कौन धर्म बोली अभी, अभी बताया ना पदकृत में, केवल अन्यतरत्व बोलने से होगा, स्थिति स्थापक और रूप अन्यतरत्व। तो ये क्या व्याप्य है कि व्यापक है, व्याप्य है, ठीक है, व्यापक कौन है, संस्कारत्व, ठीक समझ में आ रहा है? तो संस्कारत्व का व्याप्य कब होगा, जहाँ जहाँ पर ये जिद रहेगा, ठीक से समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो पृथ्वीत्व द्रव्यत्व, कौन व्यापक है, द्रव्यत्व, व्याप्य कौन है, पृथ्वीत्व, यत्र यत्र, हाँ यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्वम, इसलिए द्रव्यत्व का व्याप्य कौन, पृथ्वीत्व, हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर भी होना ऐसा चाहिए, सुनते हो, यत्रत्र, अब बोले यत्रत्र, देख कर बोले, हाँ अन्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम, ऐसा है घटेगा, कहाँ पर घट रहा है, घट रहा है, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम कहाँ रहेगा बोली, स्थिति स्थापक में रहेगा, रहेगा रूप में रहेगा, रहेगा, ठीक है। तो वहां पर संस्कारत्व तो है कहाँ पर, स्थिति स्थापक में है, यत्र तत्र, सुन रहे हो श्यामदेव, रामेश्वर समझा करो, बुद्धि की परीक्षा यहाँ पर, तब तो परीक्षा होगी, यत्र तत्र संस्कार, क्या लिखा यहाँ पर, संस्कार है ना, स्थिति स्थापक, यत्र तत्र स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम है, हाँ कि नहीं, ये कहाँ पर है ये पहले बताओ, हाँ रूप में है, स्थिति स्थापक में संस्कारत्व है, रूपों में है, कहाँ है, कहाँ है रूपों में, रूपों में संस्कार तो कहाँ है, अच्छा फिर, तो फिर ये व्याप्य कैसे हुआ फिर बोलो, अरे अन्यतर तो दोनों में रहेगा ना, कि एक में थोड़ी रहेगा, हाँ रूपों में तो है,
संस्कार ये क्या स्थिति स्थापकों को लेकर तो घट गया है, लेकिन रूपों में तो रहेगा कि नहीं रहेगा रूपों। अरे भाई देखो ये स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम रूपों में है कि नहीं, हाँ कि नहीं, बोले ना वहां पर संस्कारत्व को रहना चाहिए कि नहीं, है कहाँ, नहीं ना है तो नहीं है, नहीं है तो फिर व्याप्य कैसे हुआ, तो नहीं हुआ तुम गलत है कि नहीं, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, घटना चाहिए ना, क्या बोलो कहाँ घट रहा है, अब समझ में कि नहीं है, यहाँ पर हाँ बुद्धि लोगों को नहीं आती यहाँ पर बोलो रामेश्वर क्या कह रहे हो, जी समझ में आ रहा है, जी समझ में आ रहा है, जी यहाँ नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ भाई देखो ये पदकृत्यकार ने जो कहा ना स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्म आदाय रूप वारणाय जाति इति, जाति जब नहीं देंगे जी तो धर्म को ले लो है ना, तो कौन सा जी धर्म कहा पदकृत्यकार ने, बोलो बोलते क्यों नहीं, बोलिए। धर्म से क्या लिया, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये धर्म हुआ, क्या धर्म हुआ, इसका अर्थ क्या है हिंदी में, स्थिति स्थापक और रूप दोनों में से एक का धर्म, ये अर्थ हुआ ना, स्थिति स्थापक और जी रूप जो है गुण दोनों में से एक का धर्म ये कहाँ रहेगा, स्थिति स्थापक में रहेगा कि रूपों में भी रहेगा, दोनों में रहेगा, दोनों में दोनों में रहेगा, रहेगा। हाँ इसको कहते हैं व्याप्य, हो गया कि नहीं, आ संस्कारत्व तो क्या है व्यापक, यही तो कह रहे हो भाई, जी संस्कारत्व व्याप्य धर्म किसको बना रहा है पदकृत्यकार बताओ, स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्म ये स्थिति स्थापक यत्र यत्र, देखो संस्कारत्व तब तो ना व्यापक होगा भाई, ये जहां पर रहे जी व्याप्य जहां रहेगा वहां पर व्यापक को भी रहना चाहिए तब तो व्यापक बनेगा, यत्र यत्र जी हाँ अब समझ में आ रहा है तुमको, यत्र यत्र स्थिति स्थापक और रूप अन्यतरत्म तथा तथा संस्कारत्व तो रहना चाहिए कि नहीं, तब तो है लेकिन है क्या, नहीं है कहाँ नहीं है बताओ, कहाँ पर नहीं है, नहीं तो ठीक है उत्तर, लेकिन कहाँ पर नहीं है वो बताओ, रूपों में, रूपों में हाँ रूपों में क्या धर्म है, है स्थिति स्थापक और रूप अन्यतरत्म उसकी बात चल रही है, अरे भाई दोनों में से रहेगा यही तो कह रहा हूँ आपको ना, रूपों में भी तो है कि केवल स्थिति स्थापक में, अन्य संस्कार से व्याप्ति क्यों नहीं होता है? लो वहां पर संस्कार तो नहीं ना है, वहां रहना चाहिए ना संस्कारत्व को तब तो व्याप्य बनेगा, आप समझ में कि नहीं है, व्यापक कौन है, यहाँ पर व्यापक किसको बना रहे हो बताओ ना, व्यापक संस्कार तो व्यापक है कि नहीं, जहां पर व्याप्य जी रहेगा, हाँ जहां पर व्याप्य रहेगा वहां पर व्यापक को रहना चाहिए कि नहीं, हाँ कि नहीं, रहना चाहिए ना तब तो व्यापक को हो गए, जी व्यापक तो हाँ, व्यापक को छोड़कर व्याप्य नहीं रहता है लेकिन है ना, व्यापक व्यापक को व्याप में रखना पहले तब व्यापक होगा वो। तो व्यापक कैसे कहोगे उसको फिर, हाँ तो वो व्यापक हो जाएगा फिर व्यापक उल्टा हो जाएगा फिर ऐसा समझे कि नहीं, असमय इसलिए ये नहीं बैठता है, इसलिए ये बैठता नहीं है पदकृत्यकार ने जो कहा, समझ में रामेश्वर अभी, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर है, स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्म कहेंगे तो कट जाएगा, क्या समझ आया, रूपों के बदले क्या कहना चाहिए, स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्म आदाय वेग बाणाय जाति ऐसा कहोगे तो चलेगा,
समझ में समदेव? गुरु जी। हाँ हाँ, रूपों के बदले क्या कहेंगे? हाँ विवेकानंद की तरफ से। हाँ हाँ तो पाठ ऐसा करोगे तब तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी। स्थिति स्थापक वेग अन्यतरतम आदाय वेग बयानाय जाती थी, ऐसा पाठ करना पड़ेगा। हाँ ये कह रहा आपको, समझ में आया? बहुत लोगों की बुद्धि यहाँ पर नहीं आती है, पढ़ तो जाते हैं है कि नहीं? कहाँ पर घट रहा है? नहीं घटना चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों लिखने से होगा कि घटना चाहिए? बोलने में बड़ा सुंदर होता होगा, उससे हो जाएगा, लेकिन घटना तो चाहिए ना। नहीं घटेगा तो कैसे होगा? है कि नहीं सामदेव? जी हाँ गुरु अब देख लो, अब बेग जब कर देंगे तो बैठ जाएगा, बेग कर देंगे तो बैठ जाएगा। देखो कैसे बैठ जाएगा, स्थिति स्थापक बेग अन्य तरतम। देखो संस्कारत्व तो हो जाएगा व्यापक, और व्याप्य कौन होगा? धर्म। स्थिति जी स्थापक बेग अन्यतरम, यत्र यत्र स्थिति स्थापक बेग अन्य तरतम, तत्र तत्र संस्कारत्म है कि नहीं? है हाँ कि नहीं है? हो गया ना? क्यों भाई, है ना? तो इसलिए जो है कहाँ पर हो जाएगा फिर? बेग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यत्र यत्र क्या है? स्थिति स्थापक और रूपान्यतरतम, तत्र तत्र क्या है? संस्कारत हुआ कि नहीं हुआ? हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा घटाएंगे तो चलेगा। हाँ कहाँ पर? रूपों के बदले बेगा कर दो, रूपों के बदले बेगा कर देंगे तो होगा, समझ में आया ना? ऐसा ले लो, ठीक है? आगे और विचार करेंगे, और कोई उपाय हो तो देखा जाएगा। रूपों देने से नहीं बैठ रहा है, रूपों देने से नहीं बैठ रहा नारायण। हो गया भाई, आगे चले। अच्छा नहीं सुनो सुनो सुनो, लेकिन केवल बेगो यदि कहोगे, यदि यदि बेग स्थिति स्थापक को यदि बेगो कहोगे तब भी नहीं घटेगा, क्योंकि जो स्थिति यत्र यत्र स्थिति स्थापक बेगो अन्यतरत्वम, तत्र तत्र संस्कारत्वम, वहाँ पर तो बेग तो हुआ, लेकिन जो बेग है केवल पृथ्वी मात्र में नहीं है, वो तो जल में भी है, तब भी नहीं घट रहा है। आज समझ में? इल क्या करेंगे? पृथ्वी बेगो, पार्थिव बेगो ले लो। क्या लेंगे? पार्थिव बेगो लेंगे तो घटेगा, सुनते हो? और बुद्धि पे लगाओ। नहीं समझ में आया भूमा चेतन जी? क्या? क्योंकि आपना विशेषण क्या दिया है? नहीं, पृथ्वी मात्र स्वयं तो विशेषण दिए हो ना पहले। हाँ इल केवल बेगो को लेंगे हाँ, तो पृथ्वी मात्र स्वभाव तो कहाँ है बेगो? वो तो जलादि में भी रहता है, इसलिए क्या कर देंगे? स्थिति स्थापक पार्थिव बेग अन्यतरतम आदाय है कि नहीं? पार्थिव बेग वाणाय धर्म, ऐसा कर देंगे तो घट जाएगा। अब शामदेव हो गया? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, पहले सुनिए तो। आप पहले सुनिए, क्या कर देंगे पाठ? क्या कर देंगे? स्थिति स्थापक पार्थिव बेग अन्यतरतम आदाय है ना, पार्थिव बेग बाणाय जाती थी। हाँ अब घटेगा कि नहीं घटेगा बोलो? अब व्याप्ति बनाओ, यत्र यत्र स्थिति स्थापक पार्थिव बेग अन्यतरतम, ये कहाँ रहेगा बोलिए? कहाँ रहेगा? स्थिति स्थापक में रहेगा और पार्थिव बेग में रहेगा, वहाँ पर संस्कार तो है कि नहीं? ओके कि नहीं? अब घटा तो पार्थिव बेग जो है कहाँ पर समावेत है? केवल पृथ्वी में ही सम, पृथ्वी मात्र में समावेत हुआ कि नहीं? अब लक्षण घटाओ, पृथ्वी मात्र समावेत जो धर्म, कौन धर्म? नहीं, धर्म वाला जाति, धर्म वाला, धर्म वाला जाति के बदले धर्म लेना है ना, तो पृथ्वी मात्र में समावेत जो धर्म वाला कौन है? पार्थिव बेग हो गया। और पार्थिव बेग कैसा है?
संस्कारत्व है कि नहीं, संस्कारत्व व्याप्य स्थितिस्थापक पार्थिव वेग अन्यतरत्व, ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में अभी भी क्या? हाँ अभी भी नहीं आया समझ में आपको? आ गया यहाँ तो प्रश्न, तो जाति शब्द, जाति शब्द ना देने से, जाति धर्म ना देने से, तो यही तो कह रहा आपको। अभी हम जो करते प्रश्न में ही गलती था क्या, पदकृत में ही गलती है ना? ठीक है, ऐसा पाठ करने से सही तो है। कैसा पाठ करने से? रूपों के बदले क्या करना पड़ेगा आपको? पार्थिव वेग कर देंगे तो घट जाएगा। कैसा पाठ होगा? स्थितिस्थापक पार्थिव वेग अन्यतरतम आदाय पार्थिव वेग वाणाय जाति इति, ऐसा पाठ कर देंगे तो अब घट जाएगा सब। हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पर लक्षण जा रहा है? इसलिए तो जाति कह देंगे। इसे जाति कहने पर लक्षण नहीं जाएगा ना पार्थिव वेग में, कि धर्म से आपने किसको लिया? पार्थिव वेग अन्यतरत्व, अन्यतरत्व जाति है कि धर्म है? अब जाति हमने दे दिया ना, तो जाति जब कर देंगे तो फिर पार्थिव वेग में नहीं जाएगा। अब अन्यतरत्व तो धर्म ना है, जाति थोड़ी है वो, है कि नहीं है? है कि नहीं? तो पाठ इतना करना था, करना है कि स्थिति स्थापक पार्थिव वेग अन्यतरतम आदाय पार्थिव वेग बाणाय जाति थी। अब बोलो कि नहीं आया समझ में? सामदेव आया? हाँ। पकड़ में आया? हाँ तुम्हारे मित्रों को सुन लेना, फिर नहीं आया तो फिर पूछ लेना, फिर सुनना भी पूछ भी लेना, कोई आपत्ति नहीं, 10 बार भी पूछो कोई बात नहीं। इति गुण, ये हो गया भैया? इति गुणा, गुण का लक्षण पूरा हो गया अभी, गुण का विचार ही पूरा हो गया। कहाँ से प्रारंभ होता है मालूम है? गुण रूप से, रूप से ही पहले चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, वहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अच्छा आगे देख लो। गुण का प्रकरण पूरा हो गया, अब किसका प्रकरण होता है? नहीं आगे गुण का लक्षण बता रहा अभी, पदकृत्य में लक्षण नहीं बताया ना अभी तक। अब पहले बताने में क्या आपत्ति है? पहले बताया करो ना, लास्ट में बता रहे हो। द्रव्य कर्म भिन्नत्व सती सामान्यवान गुण, ये गुण का लक्षण देखो। हैं सीताजी का पूरा विचार हो गया, अंत में बोलोगे सीताजी मैया है, अरे पहले से बोलो। द्रव्य कर्म भिन्नत्व सती सामान्यवान गुण, ये गुण का लक्षण है भैया। ठीक है नारायण, तो क्या दो अंश दिया? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सती सामान्यवान का, द्रव्य कर्म से भिन्न हो और सामान्य वाला हो। सामान्य कितने में रहता है? तीन में, द्रव्य गुण कर्म, लेकिन द्रव्य कर्म भिन्न कह दिया है कि नहीं? इसलिए जो है द्रव्य कर्म को आप नहीं ले सकते सामान्य बाण से, सामान्य बाण तो तीनों होते हैं द्रव्य कर्म और गुण, लेकिन धर्म कर्म द्रव्य कर्म से भिन्न कहने से आप द्रव्य कर्म को नहीं ले सकते, तो सामान्य वाला कौन है? गुण ही है, तो गुण में ही लक्षण जाएगा, ये सरल है। द्रव्य कर्मणोर अतिव्याप्ति बाणाय विशेषण दलम, दल का अर्थ संस है कि नहीं? तो द्रव्य कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी, द्रव्य कर्म भिन्नत्व तो नहीं देंगे तो कितना कहेंगे? तो सामान्यवत्वम यदि कहेंगे तो ठीक है भाई। सामान्यादौ अतिव्याप्ति बाणाय विशेष्य दलम, विशेष्य दल कौन है? विशेष्य सामान्यवत्व, सामान्य वत्व जो नहीं देंगे तो कहाँ पर चलेगा? द्रव्य कर्म से भिन्न कौन है? हैं द्रव्य कर्म से भिन्न कोई भी हो सकता है, सामान्य भी है और बहुत सारे हो सकते हैं, संयोग वगैरह भी है, बहुत सारे हो जाएंगे। हो गया, अच्छा भाई और आगे क्या है? अब आ रहा है कर्म, अब क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है, इसको चलनात्मकम कर्म, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम,
अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपणम शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम नहीं है कही है अच्छा विप्रकृष्ट शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम अन्यत सर्वम गमनम ये तो सरल ही है। कर्म का लक्षण हो गया सामान्य चलनात्मकम कर्म है ना, उसका भेद कितने होते हैं पांच। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उच्चेपणम है कि नहीं, ये तो जानते हो। और अधोदेश के जो संयोग होता है मतलब नीचे वाक का इनकमिंग कॉल इनकमिंग कॉल इनकमिंग कॉल इनकमिंग कॉल हेलो, बस इतने में रखते हैं।